ये देखिए, ये औरत से बता रहे हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हैं? और ये बीजेपी के हैं कार्यकर्ता। कौन है आप? आप अपना नाम बताइए। चलो जाओ, नहीं तो अभी नाम हम नहीं सही हो जाओ तुम। आप अपना नाम बताइए, आप कौन है? तुमको भी बताओ नाम है, कौन है आप? तुम्हारे वीडियोग्राफी सब तुम्हारे घुस जाएगी। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिज़वी बात करूंगा मैं, बीजेपी के एक लीडर की, जिसकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। जी हां, बीजेपी के एक नेता हैं, लखनऊ के नेता हैं, उनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये नेता जी शराब के नशे में थे, गालियां बक रहे थे, तभी एक औरत ने, खातून ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। जी हां, इनका नाम जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि अतुल दीक्षित इनका नाम है और ये शराब के नशे में डूबे हुए थे। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि लखनऊ पश्चिम से पार्षद है, ऐसा बताया जा रहा है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी नाम से वीडियो वायरल किया जा रहा है। पूरी घटना मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि आखिर बीजेपी में हो क्या रहा, और जो ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया साइट पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाले कमेंट, क्योंकि बीजेपी खास तौर से उत्तर प्रदेश में रामराज की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की जो सीटें हैं उन 80 सीटों पर कब्जा करने की बात कर रहे, उसका नारा है कि अब की बार और 80 पर पूरा कब्जा, लोकसभा की 80 सीटों पर 2024 का जो चुनाव होना है, इतनी बड़ी तैयारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश से जो रोज तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो मर्डर की हो, चाहे वो छेड़छाड़ की हो या फिर रेप की हो, वो वाकई बीजेपी के लिए बहुत परेशान कुन है। और खास तौर से ऐसी तस्वीर कि जिसमें खुद को बीजेपी का लीडर कह रहा हो, गाड़ी पे बीजेपी का झंडा लगा हो और उसके बाद वो नशे में हो, और जब उससे कोई कुछ कहे कि गाड़ी आप हटा लीजिए, साइड कर लीजिए, तो वो गालियां देने लगे और कहे कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और फिर ऐसे में गुस्सा जो पब्लिक है जाहिर है कि एक हद तक बर्दाश्त करती है, और आखिर में एक औरत ने इस नशे में डूबे बीजेपी के लीडर की पिटाई कर देती है कि तुमने जो है मेरे शौहर को गालियां क्यों दी। ये वाकई आप बताइए, कुछ तस्वीरें झलकियां मैं शॉर्ट में आपको दिखाता हूं कि देखिए कि पूरा मामला क्या है, समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, गाली गलौज या और चीजें, क्योंकि ये हम नहीं दिखा सकते, YouTube पर और दूसरे सोशल साइट पर नहीं दिखा सकते, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये साहब जो हैं वो बीजेपी के लीडर में हैं, और इनके पास सिर्फ शराब का नशा नहीं है, बल्कि लोग लिख रहे हैं कि इनके ऊपर जो नशा है वो हुकूमत का भी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और ये महाशय जो है वो पार्षद भी है, तो ट्रिपल भी हो गया, यानी विधायक, सांसद और उसके बाद पार्षद, तो ट्रिपल इंजन एक तरीके का हो गया है। तो ऐसे में जाहिर है कि नशा सिर्फ शराब का नहीं है, बल्कि नशा जो है इख्तदार का भी है, नशा जो है वो हुकूमत का भी है। और लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, अपने कमेंट्स में लिख रहे हैं कि अभी तो योगी जी को 7 साल हुए हैं, अभी देखिए थोड़ा और मौका दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है। तो ये कमेंट्स जो है बीजेपी के लिए बहुत परेशान करने वाले। एक झलक देख लीजिए कि किस तरीके की तस्वीरें जो है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं बहुत शॉर्ट में। ये देखिए, ये औरत से बता रहे हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हैं? और ये बीजेपी के हैं कार्यकर्ता। कौन है आप? आप अपना नाम बताइए। चलो जाओ, नहीं तो अभी नाम हम नहीं सही हो जाओ तुम। आप अपना नाम बताइए, आप कौन है? तुमको भी बताओ नाम है, कौन है आप? तुम्हारे वीडियोग्राफी सब तुम्हारे घुस जाएगी। आप
मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप गाली क्यों दे रहे हैं? आप गाली दे रहे हैं बीजेपी के होके, आप गाली दे रहे हैं? ये है बीजेपी के झंडा लगाए हुए हैं और ये गाली दे रहे हैं, हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही आपकी, अभी तो गाली बक रहे थे माँ बहन की, हैं? ये बीजेपी के कोई भी हो ये गाली बक रहे हैं, मैं इनसे प्यार से बोल रहा हूँ और ये गाली बक रहे हैं, मेरे पर गाली चढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप कौन है? आप अपना नाम बताइए, आप कौन है? बीजेपी में आप क्या हैं? आप बताइए आप बीजेपी में क्या हैं? क्या नहीं पेशेंट है आप? हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप गाली क्यों दे रहे हैं? ये कौन है बीजेपी के? तुम्हारे बाप हैं? हाँ ठीक है बताइए, लगाइए। हम तफरी कर रहे हैं? हमने तफरी किया? हमने क्या तफरी किया? हमने तफरी क्या किया? नहीं आप तफरी हमने क्या किया आप बताइए, हैं? हमने क्या तफरी किया आप बताइए? हमने क्या गाली दिया? यहाँ इतने लोग खड़े हैं भाई साहब, आप बताइए हमने किसी इनको गाली दिया हैं? हमने इनसे इनसे हमने क्या कहा? गाड़ी किनारे कर लीजिए, हैं? आप क्या, आप ये कौन है बीजेपी के आप बताइए, ये कौन है? तुम्हारे बाप हैं, गाली बक रहे हैं, ये पिए हुए हैं, ये बीजेपी के जो भी हो ये गाली दे रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, तो देखा आपने ये बीजेपी के लीडर का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपने सब कुछ समझ लिया होगा कि किस्सा क्या है। बात असल में किसी एक पार्षद की नहीं है, बात सिर्फ लखनऊ की नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो कभी मध्य प्रदेश से, कभी राजस्थान से, कभी दूसरे सूबों से इस किस्म की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं, जहां पे आपको बीजेपी के लीडर की दबंगई वो देखने को मिलती है। एक तरफ योगी सरकार का दावा है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर, बीजेपी के पार्टी में और बीजेपी का मानने वाला, अपने आप को बताने वाले या छोटे छोटे जो संगठन है उनके जो लीडर हैं वो किस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं, किस तरीके से आवाम को परेशान करते हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। ऐसे में क्या बीजेपी ये उम्मीद कर सकती है कि उसे 2024 में आवाम जो है वो वैसे ही चुनेंगे? अभी घोसी में आपने नतीजा साफ देख लिया है, कितना जोर लगाने के बावजूद दारा सिंह चौहान जो है वो हार गए। वो बीजेपी में गए थे समाजवादी छोड़ करके, वहां पे योगी आदित्यनाथ भी वोट मांगने गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? और 100, 200, 1000, 2000 वोटों से नहीं, बल्कि 42-43 हजार वोटों से इन्हें जो है वो हराया गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने इन्हें हरा दिया। क्या इससे भी बीजेपी सबक नहीं ले रही? अब भी उसका यही दावा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल उपचुनाव की कोई हैसियत नहीं होती है, उपचुनाव का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कहने से बीजेपी की कमजोरी छुप सकती है। उपचुनाव की बड़ी अहमियत होती है, खासतौर से जब 370 की बात हो रही हो, खासतौर से जब राम जन्मभूमि की बात हो रही हो, राम मंदिर की बात हो रही हो, खासतौर से जब काशी विश्वनाथ को सामने रखा जाए, इसके अलावा मथुरा को लाया जाए और बहुत सारे मसाइल वो सामने लाए जाएं, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई महत्व नहीं है। आखिर क्यों भाजपा घोसी में कामयाब नहीं हो सकी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दरअसल मुझे लग रहा है कि जो बदहवासी बीजेपी में पैदा हो गई, जो गुरूर पैदा हो गया कि जिसके लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो बात कही है पार्लियामेंट में, वो बड़ी के नाम बदलने से क्या होगा? रोजगार तो दीजिए, और संसद बदलने से क्या होगा? हा? देश का विकास तो कीजिए। ये जो बात है, और अगर हुकूमत नहीं चला सकते तो छोड़ दीजिए, ये जो संसद में मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वो जरूर दिखाना चाहता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है? देना है तो युवाओं को रोजगार दो,
सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहां जाने से और क्या होने वाला है। तो देखा आपने, दरअसल यही वो चीज है, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी को इन चीजों को समझना पड़ेगा। इक्तदार का नशा जो है वो शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर ये नशा नहीं उतरा तो फिर 24 में जो ये उम्मीद लगाए बैठे कि उन्हें 80 में से 80 उत्तर प्रदेश मिल जाएगी, मुझे लग रहा है ये खाम ख्याली है। बहरहाल क्या होता है इसकी हम अपडेट देते हैं, इसकी अपडेट हम आपको करते रहेंगे। देखते रहे MMC News India। बहुत बहुत शुक्रिया।